है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आशु और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत इजी सा मेकअप लुक विद लैक्मे सीसी क्रीम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट मैं यहाँ पे अपने फेस की टोनिंग कर रही हूँ रोज़ वाटर से। आप चाहो तो कोई टोनर भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ मॉइस्चराइज़र एंड अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लूँगी। बिकॉज़ मेरी स्किन ड्राई है इसलिए मैं मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप सिर्फ सीसी क्रीम ही लगाएं, क्योंकि ये आपके फेस को मॉइस्चराइज भी करती है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ लैक्मे का सीसी क्रीम और इससे अपने फिंगर में मैं इतना सा ले रही हूँ और इसे मैं डॉटेड डॉटेड करके अपने फेस पर अप्लाई कर दूँगी, फेस एंड नेक दोनों में। अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी विद द हेल्प ऑफ डैम ब्यूटी ब्लेंडर। अगर आप इससे नहीं करना चाह रहे हो तो आप अपने फिंगर्स की हेल्प से भी इसको ब्लेंड कर सकते हो। बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है फिंगर्स की हेल्प से भी। अभी मैं इसी क्रीम को अपने आईज़ के नीचे भी लगा दूँगी कंसीलर की जगह पे, ताकि थोड़ा बहुत कंसीलर का काम भी कर ले। ये आपको ज़्यादा कवरेज नहीं देता है, बस ये आपको थोड़ा मीडियम सा लो टू मीडियम कवरेज देगा और आपके जो डार्क स्पॉट्स होंगे उन्हें छुपाएगा एंड आपकी स्किन को इवन टोन करेगा। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपना क्रीम सेट कर लूँगी कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे ये मेबेलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर और इस तरह के ब्रश की हेल्प से अपने फेस को सेट कर दूँगी। तो मैंने अपने फेस को सेट कर लिया। अब मैं अपने आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी। यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये मिस रोज़ का जेल आईलाइनर है, इसके हेल्प से मैं और एक फ्लैट एंगल ब्रश की हेल्प से मैं अपने आईब्रोज़ को फिल कर दूँगी। मैं ज़्यादा ड्रामेटिक लुक नहीं कर रही हूँ, जो मेरे आईज़ का नेचुरल शेप है आपको उसी को फॉलो करना है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये बटन वाइल का आई शेडो पैलेट। इसमें से मैं ये जो सबसे लाइट ब्राउन शेड है ये यूज़ कर रही हूँ अपनी क्रीज पे, अप्लाई कर रही हूँ मैं इसको विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडिंग ब्रश, आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश। एंड मैंने दोनों आईज पे इसी तरह अप्लाई कर लिया था। एंड नेक्स्ट मैं ये थोड़ा जो डार्क शेड था डार्क ब्राउन कलर, मैं इसको अपनी क्रीज लाइन पे ब्लेंड कर रही हूँ। एंड अभी मैं ले रही हूँ, मैंने दोनों आईज़ में मैंने उस ब्राउन कलर को ब्लेंड कर दिया अच्छे से। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये फ्लैट टेपर्ड स्मॉल टेपर्ड ब्रश। अब मैं इसकी हेल्प से ये जो शैम्पेन सा शिमरी शेड है इस पैलेट में, इसकी हेल्प से मैं अब इसको लेके मैं इस ब्रश की हेल्प से अपने पूरे आईलिड्स पे अप्लाई कर दूँगी अच्छे से। जिस तरह से मैं कर रही हूँ आपको भी उसी तरह से करना है। और आप देख सकते हो कि बहुत ही इजीली बहुत ही अच्छा सा आई लुक रेडी हो गया है। एंड अभी मैं दोबारा वो सेम कलर लेके, लाइट ब्राउन कलर लेके अपने क्रीज को और अपने आईलिड्स के जो कलर है उनको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी, ताकि ये अजीब सा पैची ना दिखे। अब मैं यहाँ से वही शैम्पेन शेड लेके अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर रही हूँ एंड साथ में मैं अपने ब्राउ बोन्स को भी हाईलाइट कर दूँगी इसी कलर की हेल्प से एंड इसी तरह के स्मॉल टेपर्ड ब्रश की हेल्प से। एज यू कैन सो ये डन है। अभी मैं
अपने लोअर वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ ये डार्क ब्राउन शेड। इसको मैं अच्छे से स्मज कर रही हूँ। और इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। एंड अभी मैं यहाँ पे ये ले रही हूँ लैक्मे का आइकॉनिक काजल, और इसे मैं अपने अपर एंड लोअर वाटर लाइन पे अच्छे से लगा लूँगी। और अभी मैं एक आईलैश कर्लर की हेल्प से अपने लैशेस को कर्ल कर लूँगी एंड फिर मस्कारा अप्लाई करूँगी। ये मस्कारा है मेबेलिन का हाइपर गर्ल। नेक्स्ट मैं आईलाइनर अप्लाई करूँगी, तो आईलाइनर के लिए भी मैं ये लैक्मे का काजल यूज़ कर रही हूँ, सॉरी आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। एंड मैं इसे अच्छे से अपने आईज पर अप्लाई कर लूँगी लाइनर को। एंड उसके बाद मैं ये एक आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, इसमें से मैं ये ब्लशेज ले रही हूँ और अपने चिक्स पर अप्लाई कर दूँगी ब्लश। मैं ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ, मैं थोड़ा लाइट ही रखूँगी As you can see. So next मैं यहाँ पे एक छोटा इस तरह का ब्रश लेके हाईलाइटर ले रही हूँ। ये शिवाना का शिमर ब्रिक्स हाईलाइटर है, और इसमें से मैं ये सबसे ऊपर जो गोल्डन शेड है इसे लेके अप्लाई करूँगी अपने चीक्स पे, अपने नोज पे, सॉरी एंड अपने फोरहेड पे एंड क्यूपिड बो एंड चिन पे एंड अपनी चीक बोन पे। एंड मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर लेके अच्छे से अपने थोड़ा मेकअप को थोड़ा सेट कर लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी पूरे मेकअप को। और उसके बाद मैं ले रही हूँ ये लिपस्टिक, ये है मैट की लिपस्टिक, और ये बहुत अच्छा शेड है। एंड इसे ये है तो क्रीमी लेकिन ये लगाने के थोड़े टाइम बाद मैट हो जाता है एंड आपके लिप से इजीली जाता भी नहीं है, तो मैंने इसे अप्लाई कर लिया है। एंड यू कैन सी ये बहुत ही इजी था एंड बहुत अच्छा लग रहा है। सो अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ बिंदी। सिंदूर ये है मेरा फाइनल लुक। सो अगर आपको ये अच्छा लगा, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। एंड अभी मैं यहाँ पे मेकअप फिक्सर स्प्रे कर रही हूँ, इससे मेरा मेकअप काफ़ी ग्लोई हो गया है एंड काफ़ी देर तक लॉक भी हो जाएगा। एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।